आपको अपने आप को एक संकल्प में बांधना होगा, अपने आप को माने मन को संकल्पित करना होगा और अपने आप को रूटीन में डालिए। जैसे आप रूटीन में संसार की सेवा करते हैं, कोई दिन भी यदि आप संसार की सेवा छोड़ देंगे तो संसार वाले आपको स्वीकार नहीं करेंगे। रूटीन से आप भोजन लेते हैं, रूटीन से आप विश्राम करते हैं, यानी कंपलसरी है ये, आप विश्राम करते हैं कंपलसरी, संसारी सेवा करते हैं कंपलसरी, ये सब हमने 24 घंटे में ये मैक्सिमम टाइम कंपलसरी में निकाला है। पेट उपार्जन करना है कंपलसरी, सब घंटे निकल रहे हैं और सब असार, असार माने जिसका कोई सार नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि हम कर्म बंधन में हैं। हमारे कर्मानुसार परिवार मिला है, हमारे कर्मानुसार दुख मिला है, हमारे कर्मानुसार सुख भोग रहे हैं, ये सब बंधन है जिसको हमें भोगना है, भोगेंगे निश्चित। ये हमारे ही अपने कर्म है, लेकिन जो प्रमुख कार्य है पुरुषार्थ, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर केवल दो रीजन के लिए मिला है। एक, आपके जो कर्म बंधन है उसके प्रति आप कर्तव्य करें, और एक मिला है कि ये मनुष्य शरीर ऐसा है जिससे आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो अपने आप को संकल्पित कीजिए, मैं प्रतिदिन अपने हरि गुरु की आराधना करना प्रारंभ करूंगा या करूंगी। आप कहेंगे मुझे कि मैं प्रतिदिन आराधना करता हूं, मैं प्रतिदिन आराधना करती हूं, मैं आरती करती हूं, मैं कीर्तन लगा लेती हूं, विभोर होकर सुनती हूं, आंसू भी बहाती हूं, कि यदि आप हरि नाम लेते हैं और नाम धारण करने पर नाम भीतर जाता है तो वो दिव्य है, आंखों से अश्रु बहते हैं, तो आपकी प्रथम स्थिति आपको सब प्यारे लगेंगे। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जड़ जीव सब अपने लगेंगे, प्यारे लगेंगे, ये मेरे प्रभु की कृति है, प्रकृति है, किसी को मनुष्य बनाया उसके कर्म के अनुसार उसके गुण है, किसी को भोगने के लिए बनाया, लेकिन कितनी सुंदर कृति है, ये मेरे प्रभु की है, सब प्यारे। क्या ऐसा होता है? नहीं। हम यदि नाम लेते हैं और आंसू बहाते हैं तो आंसू बहाने का क्यों बहाया जाता है? आंसू अंतःकरण शुद्धि के लिए आंसू बहते हैं। तो यदि आपने आंसू बहाए और आपका अंतःकरण का मार्जन नहीं हो रहा, इसका मतलब आंसू आराधना सही नहीं हो रही। जितनी मात्रा में मार्जन होगा अंतःकरण का, उतनी मात्रा में आपके अंदर सद्गुण आएंगे। और यदि हम रोते हैं, रोने के साथ ईर्ष्या भी करते हैं, रोने के साथ बैर भी करते हैं, उसके साथ भेदभाव भी रखते हैं, तेरी मेरी करते हैं, मेरी मेरी करते हैं, तो ये सारी चीजें आराधना के अंतर्गत नहीं आती। और मैं समझती हूं कि हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते, हम केवल इस पर ध्यान देते हैं
कि हमें बस नाम लेना है, चार आंसू बहा लेने हैं, हो गया, हो गई हमारी आराधना। मुझ में कितना परिवर्तन है। एक होता है ना चेंज और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज बोलते हैं बदलाव को, बदलाव और परिवर्तन में अंतर है। बदलना माने होता है जैसे माइंड को थोड़ा सा फ्रेश कर लेना, अरे बहुत दिन हो गए, अब थोड़ा सा एक चेंज हो जाए तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, पांच छह दिन बिता के आ जाते हैं, फिर वही जो रूटीन वर्क है उसमें लग जाते हैं, उसको बोलते हैं चेंज। यही चेंज हम लोग कर रहे हैं लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चले जाना और फिर पुनः उसी स्थिति में वापस कभी ना आना। यदि दूध दही बन गया तो वो दही फिर दूध नहीं बन सकता। यदि मेरे अंतःकरण की इतनी मात्रा की शुद्धि हुई है माने वो अवगुण आ ही नहीं सकता। नाम एक दिव्य वस्तु है, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर देगी। तो इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है, लापरवाही नहीं करते हुए जैसे संसारी कार्य अलर्ट होके करते हैं ऐसे ही अब अलर्ट हो जाइए। सब्सक्राइब करें राजेश्वरी देवी जी YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिलते रहें लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले।